हाउ टू स्टार्ट ए किक फ्लिप। हर बार की तरह कोई आइडिया ही नहीं था कि क्या करना है, कैसे करना है। पिछली वीडियो में मैंने ऑली तो सीख ली थी, तो उसी को आगे बढ़ा के किक फ्लिप फ्लिप ऑफ अ स्केटबोर्ड बट विद अ प्रॉपर टेक्निक। देख ऐसे रखना और ऐसे यूं करके घुमाना, देखा सिंपल है। पहले तो मैं नोज के ऊपर लेफ्ट फुट रख के उसे पुश कर रहा था ताकि वो हाइट गेन कर सके, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा काम नहीं बन रहा था क्योंकि पुश करने के बाद मुझे राइट फुट के साइड से थोड़ी सी स्लाइड देनी है, दैट्स इट। क्या हाँ कैसे कर सकते हैं? मुझे पहले पहले लग रहा था कि स्केटबोर्ड भारी है, मैं नहीं कर पाऊंगा, फिर मैंने जाना प्रॉपर टेक्निक के साथ कि कैसे कर सकते हैं। राइट फुट स्केटबोर्ड के मिडल से थोड़ा आगे रखना है और वो भी 45 डिग्री के एंगल में, और लेफ्ट फुट से पुश करके राइट फुट के साइड से उसे घुमाना है। वाह, घुमाने का तो पता नहीं लेकिन मेरा पैर घूम गया था, वो भी पूरा। चलो फिर रेस्ट करता हूँ। ये ले और फिर से चल। यार ट्राई तो बहुत बार कर रहा था लेकिन ये हो ही नहीं पा रहा था, ऊपर से मेरी बॉडी पूरी एग्जॉस्टेड हो गई थी। This is where I live. और यहाँ पे मेरा स्केटबोर्ड एकदम सुपरमैन बन गया। लेकिन कुछ तो हुआ जिसकी वजह से उम्मीद फिर से जाग गई। अब स्विंग तो स्केटबोर्ड ले ही पा रहा था लेकिन इसमें अब ऊंचाई हाइट की जरूरत थी। एज यूजुअल स्केटबोर्ड बहुत भारी था और यहाँ पे कल से अच्छा हो रहा था, स्विंग भी अच्छी खासी हो रही थी, लेकिन मैं पूरा डिसअपॉइंटेड था क्योंकि कुछ चमत्कार हो ही नहीं रहा था। स्केटबोर्ड इज टू हेवी। कोई नहीं फिर से करते हैं, क्यों ना स्विंग करके पहले एक पैर रखा जाए। मुझे तो लगा एक पैर में रख पाऊंगा बट ये तो कहीं ज्यादा टफ निकला, कौन सा पैर रखूं और कैसे रखूं। Cannot do this because my both legs are totally destroyed. The skateboard is too heavy. I cannot lift it. For kickflip, you need to gain more height so that you can spin the skateboard and you can place your both of legs on the skateboard at the same time. Let me see. Did you guys just see that? हाँ, एक पैर पहले जमीन पे और एक पैर फ्लिप के बाद बोर्ड पे, एंड दिस हैपेंड। और यहाँ पे मेरी एम थी एक लेग को रखना जो कई सारी ट्राइज के बाद हो गया, और मेरा रिएक्शन सिंपल है, जिस पैर से पुश कर रहे हो उसे जल्दी जमीन पे लाओ और दूसरे पैर को स्केटबोर्ड पे। और ये तो करना ही था, और इसके बाद मैं कॉन्फिडेंस से अपने दोनों पैर स्केटबोर्ड पे रखने की कोशिश कर रहा था जो कि बहुत ही ज़्यादा टफ है। कभी कभी बोर्ड ज़्यादा घूम रहा था और कभी कभी घूम ही नहीं रहा था, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था। एज यूजुअल हर बार की तरह मुझे नहीं लगा था कि हो पाए, बट फाइनली दिस इज माइन। मुझे नहीं लगा था हो पाएगा, बट फाइनली दिस इज फ्रीकिंग माइन। आई सी यू गाइस नेक्स्ट वीक विद अनदर स्किल। मैं बहुत ही ज्यादा थक गया था। दिस इज हाउ आई लर्न किक फ्लिप इन 2 आवर्स, 2D-4D किक फ्लिप, बट मेरे लिए सही है। अब इसे भी इम्प्रूव करना है ऑब्वियसली।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच.